हाय दोस्तों दोस्तों, आज मैं आपको सोफोस फायरवॉल के लिए एक यूज़र क्रिएटिंग वीडियो लेके आया हूँ। इसमें हम आज देखेंगे कि हम सोफोस एक्जी फायरवॉल में कोई भी इंटरनेट का यूज़र कैसे क्रिएट करते हैं और उसमें कैसे पॉलिसीज़ अप्लाई करते हैं। तो इसमें स्टेप वन होगा कि हम कैसे क्रिएट करते हैं, स्टेप टू कि हम उनमें कैसी पॉलिसीज़ अप्लाई करते हैं और वो पॉलिसीज़ किस तरह से उस यूज़र पे वर्क करती हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि हम सोफोस एक्जी में किस तरह से यूज़र क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, हम ब्राउज़र खोलेंगे। ब्राउज़र खोलने के बाद हम अपने सोफोस में लॉगिन करेंगे। सोफोस में लॉगिन करेंगे। मैं अपने सोफोस में लॉगिन कर रहा हूँ दोस्तों। ये सोफोस एक्जी फायरवॉल आपका साइबर रॉम वॉचगार्ड और चेक पॉइंट से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसमें थोड़े ऑप्शन अलग तरीके के आते हैं। तो इसमें देखिएगा, इसमें उसमें हमारा यूज़र के नाम से आता था, इसमें हमें ऑथेंटिकेशन के अंदर मिलेगा। तो हम ऑथेंटिकेशन में पहले क्लिक करते हैं। ऑथेंटिकेशन में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए, यहाँ वो काफ़ी सारे हैं। तो यहाँ हम ऑप्शंस हैं, सर्वर्स है, सर्विसेज है, ग्रुप्स है, यूज़र्स है। तो आपको यूज़र्स ऑथेंटिकेशन इसके अंदर मिलेगा। तो जैसे ही आप यूज़र पे क्लिक करेंगे, यहाँ आपके प्रीवियस यूज़र्स जो आपने बना रखे होंगे वो डिस्प्ले होंगे। और उसमें यूज़र आईडी, नेम, यूज़र नेम क्या है उसका, यूज़र टाइप क्या है, कि जैसे बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे यूज़र का है, एसएसएल का है, एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप का है, तो वो दिखेगा यहाँ पे आपको। ये ग्रुप है कि कौन से ग्रुप, जैसे आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे ग्रुप्स बना रखे हैं तो सारे ग्रुप्स दिखेंगे यहाँ पे। और वो स्टेटस उसका कैसा है, यहाँ से उसको एडिट वगैरह करने के ऑप्शन आएंगे। तो हम आज देखेंगे कि हम नए यूज़र कैसे बनाते हैं। तो यहाँ सिंपल सा दोस्तों, यहाँ पे ऐड करने के लिए है। जैसे हम ऐड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे यूज़र आ जाएगा फ्रेंड। और दोस्तों, इसमें यूज़र टू टाइप्स बनते हैं। सपोज़ आपके यहाँ गेस्ट आते हैं तो उनके लिए अलग यूज़र बना सकते हैं आप, और जो आपके पास परमानेंट आपके यूज़र हैं उसमें आप अलग तरीके के यूज़र बना सकते हैं। तो जो आपके पास आपके एम्प्लॉई हैं उनके लिए आप यहाँ से नॉर्मल यूज़र क्रिएट कर सकते हैं, और जो आपके पास टेम्परेरी यूज़र आते हैं लाइक अ गेस्ट, तो उसके लिए आप यहाँ से गेस्ट यूज़र बना सकते हैं। तो पहले हम इसी ये नॉर्मल यूज़र देखते हैं, उसके बाद हम गेस्ट यूज़र देखेंगे। तो नॉर्मल यूज़र में सबसे पहले हम यूज़र का नाम देते हैं। सपोज़ हम ये देते हैं कि डिपार्टमेंट वाइज भी दे सकते हैं या फिर उनके नाम से भी दे सकते हैं। जैसे हम यहाँ दे रहे हैं कि टेस्ट यूज़र 2, और हम यहाँ उससे रिलेटेड हम दे सकते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट का है। सपोज़ अकाउंट का है, मार्केटिंग का है, एचआर का है, तो यहाँ देते हैं एचआर। सब कुछ एचआर का है। डिस्क्रिप्शन में कुछ और देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं, अदरवाइज ज़रूरत नहीं। यूज़र टाइप आप क्या बनाना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर देना चाहते हैं या नॉर्मल देना चाहते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर दे देंगे तो प्रोफाइल कौन सी देंगे, सपोज ये देखिए क्रिप्टो सिक्योरिटी एडिट एडमिन जो भी है गेस्ट। तो हमें एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र नहीं चाहिए, नॉर्मल यूज़र चाहिए। यहाँ उसका पासवर्ड, अब पासवर्ड जब जैसे ही पासवर्ड पे क्लिक करेंगे फ्रेंड, तो यहाँ देखेंगे क्या दे रहा है। एटलीस्ट 6 कैरेक्टर होना चाहिए और 1 अपर लेटर होना चाहिए और एटलीस्ट 1 लोअर लेटर होना चाहिए। तो दोस्तों, इसमें भी एक देखने वाली चीज़ है कि ये जो पासवर्ड का क्रेडेंशियल है ये इस तरह से क्यों आ रहा है। आप चाहते हैं कि हमसे केवल नॉर्मल पासवर्ड दे दे, 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ, तो ये हमसे अपर भी मांग रहा है, लोअर भी मांग रहा है और 6 कैरेक्टर भी मांग रहा है। मतलब इसकी रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए। तो दोस्तों, इसकी सारी सेटिंग्स आपको एडमिनिस्ट्रेटर में मिलती है, यहाँ पे मिलती है। जैसे आप जाएंगे एडमिन एंड यूज़र सेटिंग्स में, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जिस पोर्ट से हम एक्सेस करते हैं वो पोर्ट, और यहाँ आप लॉगिन सिक्योरिटी देखेंगे। ये एडमिनिस्ट्रेटर के लिए है कि 10 कैरेक्टर होना चाहिए, अपर लोअर सारा चीज़ होना चाहिए। नॉर्मल यूज़र के लिए आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको 6 कैरेक्टर या फिर अपर लोअर। तो यहाँ से अपने ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी के हिसाब से आप उसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं। 6 कैरेक्टर देना है, 10 कैरेक्टर देना है, 4 देना है, अपर लोअर लेना है नहीं लेना है, जो जो सेटिंग अप्लाई कर देंगे वही आपके पासवर्ड में अप्लाइड हो जाएगा। तो दोस्तों, हम ऑथेंटिकेशन में थे यूज़र्स में।
तो हमने ऐड किया टेस्ट यूज़र टू, नेम दे दिया हमने HR, डिस्क्रिप्शन में जो आप देना चाहें, पासवर्ड में मेरे अपने ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से है फ्रेंड्स के, तो मैं यहाँ कुछ भी दे देता हूँ एक पासवर्ड, ठीक है फ्रेंड। यहाँ ईमेल आईडी दे दीजिए, क्रिएटर का दे दीजिए, या फिर अब दोस्तों ये किस ग्रुप का है, मैंने यहाँ वहाँ HR लिखा था, तो यहाँ HR ग्रुप ले लेता हूँ। ये ग्रुप दोस्तों आपको बनाने पड़ेंगे, तो वो ग्रुप में जाके ग्रुप बनते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो आई थिंक अगर आपके पास फायरवॉल एस्टेब्लिश्ड है तो वो ऑलरेडी बनाया होगा आपने, या नहीं है तो आप बना सकते हैं। अब सर्फिंग कोटा, जैसे हमने ग्रुप तो दे दिया, हमें सर्फिंग कोटा क्या देना है दोस्तों, एक 1 मंथ अनलिमिटेड एक्सेस देना है, 1 मंथ 100 आवर्स देना है, क्या देना है कि 1 महीने में, मतलब ये पॉलिसी ये है कि आप कितना उनको देना चाहते हैं। सपोज़ 100 आवर दे दिया, तो 100 आवर कब तक यूज़ करें, 1 महीने के अंदर यूज़ करें या 1 दिन में यूज़ करें। और अगर आपके पास आपको ये पॉलिसी फिट नहीं बैठती दोस्तों, तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही आप क्रिएट पॉलिसीज पे क्लिक करेंगे, इस पर क्रिएट न्यू, तो ये आपको सर्फिंग कोटा आ जाएगा। आप यहाँ नाम दे दीजिए, साइकिल दे दीजिए, आवर दे दीजिए, और यहाँ लिमिटेशन डाल के उसे सेव कर दीजिए। जैसे हमने दे दिया अनलिमिटेड एक्सेस, तो यहाँ हम देंगे साइकिल, साइकिल दे दिया और अनलिमिटेड पे क्लिक कर दिया, सेव कर दिया, तो पूरा अनलिमिटेड हो जाएगा। और अगर आपको यहाँ से दोस्तों आपके पॉलिसीज यहाँ से फिट बैठती हैं, तो अनलिमिटेड आप एक्सेस ले लीजिए, कोई भी एक ले लीजिए, और सर्फिंग कोटा। और अगर नहीं लेना चाहते हैं तो आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस इंटरनेट एक्सेस आएगा, अनलिमिटेड चला जाएगा। अब कितने टाइम के लिए देना चाहते हैं, अलाउ ऑल द टाइम करना चाहते हैं, या फिर पर्टिकुलर किसी टाइम पे करना चाहते हैं, यहाँ भी आप न्यू उसी तरह से सेम तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। अब दोस्तों देखते हैं नेटवर्क ट्रैफिक। नेटवर्क ट्रैफिक का मतलब है दोस्तों कि इसमें कितने MB का डेटा ये ट्रांसफ़र करे एक बार में। सपोज अगर आपने दे दिया कि हम 100 MB टोटल डाटा ट्रांसफ़र पॉलिसी, तो ये जैसे ही इसका डेटा 100 MB से एक्सीड होगा, वो वहाँ पे ब्लॉक्ड हो जाएगा, उस 100 MB से ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। तो ये थोड़ा ध्यान से दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हो सकता है कि रिक्वायरमेंट यूज़र की कैसी है। ट्रैफिक सेफ्टी यहाँ देना है दोस्तों कि हमें जो पॉलिसी, जो हम यहाँ ट्रैफिक सेफिंग दे रहे हैं, ट्रैफिक सेफिंग का मतलब ये है कि जैसे हमने यहाँ ट्रैफिक सेफिंग 180 KBPS में फ़िक्स किया, या फिर 256 KBPS में फ़िक्स किया, तो उनकी जो इंटरनेट स्पीड चलेगी वो 128 से 250 जितना आप देंगे डिफाइन करेंगे, वो उसके हिसाब से ही उनको इंटरनेट स्पीड मिलेगी। तो वो होगा ट्रैफिक सेफिंग, उस यूज़र का ट्रैफिक उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। यहाँ से भी हम न्यू क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों, तो उस यूज़र, किसी यूज़र के लिए कि हमें कितना मिले, इंडिविजुअल सेलेक्ट प्रियोरिटी भी सेलेक्ट कर सकते हैं हम यहाँ से कि उस कैसी प्रियोरिटी मिले, इंडिविजुअल रहे या शेयर रहे, तो वो हम चीज़ें यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों, और फिर यहाँ से हमने जैसे क्लाइंट लेस है या नहीं है, या तो यहाँ हम कौन सी नॉन पॉलिसी अप्लाइड, SSL का है, क्या है, वेब का है, और यहाँ नहीं है तो यहाँ भी हम क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए, तो अगर इसकी ज़रूरत है तो ही दीजिए। और दोस्तों इसमें एक अनलिमिटेड चीज़ है, सपोज़ हमने एक यूज़र को दे दिया, लेकिन एक यूज़र अपने लैपटॉप पे लॉगिन कर लिया, उसको मोबाइल पे भी चाहिए, तो दोस्तों हम उसे एक्सेस कैसे देंगे फिर हमें एक, अगर तो दोस्तों हमें यहाँ ग्लोबल सेटिंग नहीं, यहाँ इसको ग्लोबल सेटिंग को अनचेक करना है। और जैसे ये 5 है, 5 को हटा के 2 करना है या 1 करना है, जितने क्रेडेंशियल आप यहाँ दे देंगे उतना ही वो लॉगिन कर पाएंगे, उतने ही पोर्टल पे वो लॉगिन कर पाएंगे। तो दोस्तों मैंने वहाँ, यहाँ हमने 2 दे दिया है। तो अब ये लॉगिन रजिस्ट्रेशन एनी नोड पे करें, या यूज़र ग्रुप नोड पे करें, या सेलेक्टेड नोड्स पे करें, या नोड रेंज पे करें, तो हम जनरली हम इसे एनी नोड देते हैं, मतलब कहीं भी जाके अपना लॉगिन कर सकते हैं। अब जैसे ही आप इसे सेव करेंगे दोस्तों, ये सेव हो गया, अब आपका ये यूज़र बन गया। अब हम इसे लॉगिन करके देखते हैं, ये देखिए आ गया दोस्तों, हमने बनाया था टेस्ट
यूज़र टू, पासवर्ड हमने दिया था ये देखिए दोस्तों लॉगिन हो गया, ये साइन इन आएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से दोस्तों हम यूज़र बना सकते हैं और उसमें पॉलिसीज अप्लाई कर सकते हैं। और हम यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे और मोटिवेट करें ताकि मैं आपके लिए वीडियो लेके आ सकूँ। थैंक यू सो मच।